बम्बई, कोई जरूरत नहीं बम्बई जाने की। हे भगवान, आखिर किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। अब आप ही पूछिए इससे कि क्या रखा है आखिर इस मरी बम्बई में। अरे बेटा, तुझे पैसा ही कमाना है तो यहाँ क्या कमी है। देख, हम तेरे दुश्मन थोड़े न हैं, हम तेरे मामा मामी हैं। हमारी अपनी चार चार टैक्सियां हैं, खुद की टूरिस्ट कंपनी है, और हमारे बाद ये सब तेरा ही तो है। अरे लेकिन ये हमेशा के लिए बम्बई थोड़े ही ना जा रहा है, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी में, और नौकरी पसंद नहीं आई तो वापस आ जाएगा, उसमें क्या है। बस बस, मुझे मत समझाओ आप, फिलहाल जाके भी कोई वापस आया है। देख बेटा राजू, अपने मामा की एक बात ध्यान में रखना बेटा, जिस कंपनी में काम करेगा उसे पूरी वफादारी करना जी। जिस थाली में खाएगा उसमें कभी छेद मत होने देना बेटा। कंपनी तुझे जितना दे उससे ज्यादा लौटाने की कोशिश करना। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही बात सिखाई थी बेटा, यही बात मैं तुझे सिखा रहा हूं। मामा जी। या मेरे पहाड़ी बाबा, कच्ची मसान, पक्की मसान, 12 भूत 14 मसान, हाहा जमूरे जी वस्ताद। ये कौन सा शहर है? सपनों का शहर है वस्ताद, यहाँ लाखों लोगों के करोड़ों सपने हैं। कुछ सच्चे, कुछ झूठे, कुछ बन गए, कुछ टूटे। ये है मुंबई मेरी जान, 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 ये है मुंबई मेरी जान। हेलो बोलते, हाय बोलते, लूट लाट के बाय बोलते, 10 टाइप के यहाँ लोग मिलते, सोच समझ के आने का क्या। ये है मुंबई मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान। झूठ भी है, दान भी है, लूट भी है, बंदूक की गोली है, प्यार की बोली है, कोई यहाँ आके कमा के गया, कोई यहाँ आके गंवा के गया। ये है शहर लॉटरी जैसा, किस्मत तुझे आजमानेगा क्या। ये है मुंबई मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान। संभाल के, उधर से हाथ लगा। धीरे धीरे। ये कंप्यूटर 13,000। 13,000। वो दो चेयर 800 रुपए। 800 रुपए। वो टेबल, टेबल 1200। एक्सक्यूज मी जी, मैं मिस्टर चतुर्वेदी से मिलना चाहता हूँ। आप साहबान क्या उनके रिश्तेदार हैं? नहीं तो फिर जानने वाले हैं। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अमा तो यार जाकर समझाइए उनको, क्या हालत बना रखी है, सुबह से कुर्सी से चिपके बैठे। जाइए अमा, जाइए। मैं आई कम इन सर। क्या फायदा हुआ, 16 साल, 16 साल 8 महीने और 3 दिन। कौन सा ऐसा दिन था जब मैंने तेरे सामने अगरबत्ती ना जलाई हो। विदेश यात्रा पर गया तब भी तुझे अपने ब्रीफकेस में बंद करके लेके गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग छोड़ छोड़ कर मैंने तेरी आराधना की। क्यों, किस लिए? यह दिन देखने के लिए? और तुम मुझे यह बार बार नोटिस क्या दिखा रहे हो है? मैं जानता हूं इस कंपनी का दिवाला निकल चुका है, पर इस कंपनी की दीवारों को अपने खून पसीने से सींचा है मैंने। 20 साल तक काम किया है मैंने यहां, 20 साल तक, और तुम मुझे 20 मिनट भी यहां बैठने देना नहीं चाहते। सर, मेरा नाम राजू ताराचंद है, फ्रॉम नैनीताल, और ये नोटिस नहीं, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है था। आपने मुझे बुलाया था सर, अकाउंट्स मैनेजर की नौकरी के लिए।
लो एक और आ गया तुम्हारी नगरी में, संभालो इसे भी। राजू ताराचंद। देखो भैया, इस कंपनी का दिवाला निकल चुका है, और जब धंधा ही नहीं होगा तो अकाउंट्स क्या करेगा, और जब अकाउंट्स नहीं होगा तो वहां अकाउंट्स मैनेजर का क्या काम। चलो एक काम करते हैं। आइए, आपको भी वहीं पहुंचा देता हूं। कहां सर? जहां आपसे पहले इस कंपनी के 270 लोग गए हैं, और अब मैं जा रहा हूं। और वो कहां है सर? सड़क पर, ऑन द रोड। बच गया, बच गया। अबे ओ धुन के फूल, इससे मत घूर भाई, करंट लगता है। वो क्या कि मैं अपनी गाड़ी का ब्रेक चेक कर रहा था। कर लिया? फर्स्ट क्लास है, थर्ड क्लास होता ना तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तू तो मर जाता है, एकदम चपटा हो जाता है। सब ठीक है ना? कोई डिपार्टमेंट हिलेला तो नहीं है ना? ओके, गॉड ब्लेस यू। हाँ, और अगर और किसी दिन गाड़ी के नीचे आने का मन किया ना तो अपुन को जरूर याद करना, आई विल बी देयर। गॉड ब्लेस यू सन, बाय। अरे तू तो गाड़ी वाला है। अच्छा भी यार, कहां से मारा? अरे यार तू तो बात बात पे बुरा मान जाता है, लगता है तू बंबई में नया आया। देहरादून या मसूरी से? राइट, रॉन्ग, नैनीताल से। अरे एक ही तो बात है, पहाड़ी है ना। और तू यहाँ फिल्म स्टार बनने आया? राइट, रॉन्ग, नौकरी करने। और तुझे नौकरी मिली नहीं, जेब में पैसे खत्म और गाड़ी में पेट्रोल खत्म। राइट, रॉन्ग, जेब में 600 रुपए 40 पैसे हैं, है? और गाड़ी में आधा टैंक पेट्रोल है। ये है बंबई मेरी जान, यहाँ का हवा लगते ही गाड़ी का पेट्रोल सूख जाता और जेब का माल छू मंतर हो जाता है। वैसे शक्ल से तुम बहुत नेक लगते हो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। एक मिनट, एक शायरी सुन ले यार, एक शेर सुन ले। आदमी मैं भी हूँ, आदमी तू भी है, वैसे हर आदमी आदमी है, मगर आदमी क्या है, बेकार है, क्योंकि आदमी नहीं आदमी के लिए है। समझ में नहीं आया ना? वैसे जरा डीप गहरा शेर है। इसका निचोड़ यह है कि मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। हाँ हाँ, सुन दोस्त, तू मेरी गाड़ी का पीछा कर, मैं जरा बंबई में तेरी मेहमान नवाजी करता हूँ। राइट, आइसक्रीम खाएगा? नहीं। अरे खाना यार, ये दो बटरस्कॉच फर्स्ट क्लास। यस, वो क्या है ना दोस्त, अपन के अंदर एक ही वीकनेस है, अपन से दूसरों की भूख बर्दाश्त नहीं। वो क्या है ना, मुझे तो लगता है अपने सारी दौलत अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कमाई है। सब है चार दिन की चांदनी, ये रियासतें ये बजारते, मुझे उस फकीर की शान दे के जमाना जिसकी मिसाल दे। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। अरे खाना यार, भूखे पेट पे शायरी भी समझ में नहीं आएगी। खा खा खाले। जानता है ये सब मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि जब मैं छोटा सा था ना, मेरी माँ ने मुझे भूखा प्यासा उठाकर कचरे के डब्बे के पास भेज दिया। वो तो एक नेक इंसान था जिसने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। पान खाएगा? नहीं, खाना पड़ेगा। ये पान तुझे तेरे लिए नहीं, मेरे लिए खाना पड़ेगा। तुझे खिलाने के बिना मुझे नींद नहीं आएगी। मैं आता हूँ अभी आया, पान लाया, अभी आया। कितने नेक इंसान है बंबई में। मेरी गाड़ी, मेरी चाबी, नहीं, ओह माय गॉड, मेरी चाबी, मर गया, नहीं, ये देखो, यही है मेरे सपनों की रानी इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी रानी को, देखो किसने चुरा लिया था साहब, जिसने चुराया ना उसको आप छोड़ना नहीं, उसको उसको जेल भेज देना, उसको उसको काला पानी भेज देना। साहब, मैं, आपने इस गाड़ी के आजू बाजू किसी को फड़कते हुए देखा है? मैंने नहीं देखा। अरे मैं क्यों देखूं? अरे इधर आइए आप। नहीं नहीं, अरे सुनिए, इधर आइए। ए यू, ए, अरे मर गया।
सॉरी मैडम। सर सर।